हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज ब्लॉग स्टार्ट हो रही है सुबह के 9 बजे से, और अभी मैंने काम कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है। आज सुबह से मैंने वॉशरूम इतना गंदा हो रखा था, वो वॉशरूम पूरा रगड़ा। उसी में मेरे मतलब 8 बजे चले गई थी मैं, और अब नहा धो के पूजा करके मैं अब बैठी हूँ। तो 1 घंटा मेरे इतने कामों में लग गया, तो बस आज वॉशरूम की सफाई हो गई है अभी। तो मैंने सोचा कि चलो वॉशरूम की सफाई कर देती हूँ, फिर आगे के काम में आराम से निपटाऊंगी, क्योंकि थोड़ा आलस जैसा आ रहा था। फिर नहा के थोड़ा सा अच्छा फील होता है। तो पूजा पाठ कर दी है, तो ब्लॉग के स्टार्ट मैं कर रही हूँ आज भगवान के आशीर्वाद के साथ और 1 कप चाय के साथ। तो बस अभी चाय बनने के लिए भी रख दी है, शायद बन गई होगी, क्योंकि इतना सब्र नहीं हो रहा था। जब तक मैंने पूजा की ना, मैंने तब तक चाय बनाने के लिए रख दी थी, क्योंकि चाय पीने की लग रही थी मुझे कि मैं चाय पी लूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो पहले पूजा ही कर देती हूँ और फिर मैं चाय पीऊँगी। तो बस चाय बन चुकी है, और तो चाय भी पी ली है मैंने। और मैं सोच रही हूँ अभी मैं फटाफट से बाहर का निपटा देती हूँ बरामदे का, क्योंकि क्या है कि अंदर के काम तो मैं फैन के नीचे बैठ के भी कर सकती हूँ, लेकिन अगर बाहर धूप हो गई ना तो फिर दिक्कत हो जाती है, फिर काम करने का मन नहीं होता है। तो मैंने कल कपड़े वगैरह धोए थे, वो कुछ मैंने यहाँ सुखा रखे हैं, और टीवी लगा दिया मैंने, क्योंकि गाने चलते रहने चाहिए काम करने के लिए, फिर एक एनर्जी आती है। तो बस अभी मैं यहाँ के ये खिड़कियाँ विड़कियाँ सब बंद करने वाली हूँ, क्योंकि अभी तक तो थोड़ी ठंडी हवा आ रही थी। तो अभी फिर वही है कि 10-11 बजे बाद यहाँ पे लू चलने शुरू हो जाती है, तो ये सारी खिड़कियाँ बंद कर दूंगी मैं। तो चलो पहले मैं फटाफट से फिर बाहर के काम निपटा देती हूँ, और आज माँ का जरा बरामदा साफ कर देती हूँ। पानी से धोना पड़ेगा, क्योंकि कल कपड़े धोए तो मशीन का पानी सब में सारा फैल चुका है। तो चलो फिर। कपड़े वगैरह सुखाने के बाद मैंने ऊपर जीरे से सारी सफाई की, जीने का जो भी धूल मिट्टी थी वो सारी साफ करी, पोछा लगाया उधर। और अब बारी आ गई है मेरे बरामदे को साफ करने की, क्योंकि मैंने यहाँ पे कल कपड़े धोए थे और थोड़े से बचे हुए थे, वो आज सुबह धोए मैंने। तो सारा बरामदा जो था गंदा हो रखा था, तो सर्फ डाल के थोड़ी देर मैं छोड़ दूंगी यहाँ पर, और फिर करूंगी मैं इसे अच्छे से साफ। Thank you.
दोस्तों, बज गए हैं शाम के 6 और मैंने बना ली है अपने लिए ग्रीन टी। तो गाइस, आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा बेकार रहा हम लोगों का, क्योंकि लाइट चली गई थी 10:15 के आसपास और लाइट आई है अभी 4:30 के आसपास। गर्मी से जो बुरे हाल हुए, गर्मी तो चलो सभी जगह पड़ रही होगी मैं मान रही हूँ, लेकिन जब लाइट तो कहीं कहीं जा रही होगी यार, यहाँ तो लाइट कैसे बुरे हाल है ना, कि जैसे ही मतलब कुछ काम करने की सोचो ना तब तक लाइट ही चले जाती है। इतना दुखी हो गए ना हम इस लाइट से। ऊपर से फिर आज ना पानी भी नहीं था टंकी में, आज जितना काम मेरे से होना था, मैंने तो ना पोछा लगाया है दिन भर से, मतलब जो भी खाया पिया वो सारे बर्तन मैंने सिंक में भरे हुए हैं। दिन में मैंने अपने लिए दलिया बनाया और हो गया था बस, वो भी मैंने अंधेरे में फ़ोन के उजाले से बनाया, फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी। और उसके बाद अभी इतने सारे बर्तन हो रखे हैं, तो अभी मोटर चलेगी तब जाके वो बर्तन धुले जाएंगे, तब जाके वो पोछा लगेगा। आज मतलब पूरा दिन ऐसा ही निकल गया। वो तो शुक्र हुआ कि मेरे आरओ पे पानी था, वो मैंने भरा हुआ था कल रात का, नहीं तो मैं उसको भी ना बहुत लापरवाही से भरती हूँ। तो अच्छा हुआ कि उसमें भरा हुआ था पानी, तो मेरे वो काम आ गया। एक दो बोतलें मैंने भर के फ्रिज में रख दी हैं, क्योंकि ठंडे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आज गर्मी से जो हालत हुई है वो मैं ही जानती हूँ कि कैसे। मैं कई बार ऐसा सोचती हूँ ना कि कहीं चले जाना था यहाँ से, किसी ठंडी जगह पे बस जाना था, बस ये होता है मुझे। और आज वही टेक्निक थी ना मेरे, टावल भिगो के फिर ओढ़ के तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट मिलता था, लेकिन आज टावल भिगाने तक के लिए भी पानी नहीं था, तो वो भी नहीं हो पाया आज। तो आज वही होता है कि थोड़ी सी आँख लगती है ना जैसे, तो फिर वो पसीना पसीना हो जाता है, तो उसकी वजह से जो सर भारी होता है वो अलग होता है। तो आज इतना आंधी तूफान चल रहा है सुबह से ही, पता नहीं क्यों, मतलब वो गुजरात में जो साइक्लोन आ रहा है मे बी उसकी वजह से यहाँ पे भी इफ़ेक्ट हो रहा है उस चीज़ का। तो दिन भर से इतना तूफान चल रहा है, तो आज तो मैंने खिड़कियाँ बंद करने की भी नहीं करी, क्योंकि हवा ही नहीं आ रही थी कहीं से भी, घुटन के मारे ना अंदर ही अंदर ऐसा हो रहा था। मैंने कहा छोड़ो धूल आ जाएगी, कोई बात नहीं साफ़ कर लेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत जितनी भी हवा चल रही है वो ठीक है। तो बस अभी पीती हूँ मैं चाय, और आज बुधवार भी, आज मुझे मंडी जाना है सब्जी लेने के लिए, क्योंकि सब्जियाँ नहीं हैं तो फ्रूट्स भी सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो चलो फिर मैं फिर जैसे पानी आएगा निपटाती हूँ फिर अपने फटाफट से। तो फ्रिज के कवर के अंदर जितना भी सामान रखा हुआ था, बाहर निकला हुआ था, वो मैंने छाड़ दिया था, अब मैं इसको फिर उन्हीं कवर के अंदर रख दूँगी। तो बस अभी यहाँ पे वही प्रोसेस चल रही है छांट के रखने की। तो चाय वाय मैंने पी ली है और फटाफट से मैं करती हूँ अभी किचन के काम, क्योंकि किचन में बर्तन बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, और अभी मुझे कपड़े भी संभालने हैं अंदर, और फ़ोन भी चार्ज नहीं है, तो जब तक मैं बर्तन वगैरह धोती हूँ तब तक मैं लगाती हूँ फ़ोन को फटाफट से चार्ज पे, और फटाफट किचन का काम निपटा के बाहर आती हूँ। तो बर्तन वर्तन क्लीन करके, गैस वगैरह साफ़ करके फिर मैंने डिनर की प्रिपरेशन शुरू कर दी है। तो डिनर में आज बन रहा है अरबी की सब्जी और रोटी। तो यहाँ पे मसाला रेडी हो गया है, और ये अरबी मैंने परसों उबाल के फ्रिज में रखी हुई थी, तो थोड़ी सी हमें ना तरी वाली ही सब्जी अच्छी लगती है अरबी की, सूखे सूखी नहीं अच्छी लगती है। तो थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया है इसमें, और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकाने के लिए रखूँगी। तो ये गल काफ़ी रखी थी इसलिए मैंने इसे चाकू से काटा नहीं, और क्योंकि अगर मैं इसमें एक दो बारी कड़छी चलाऊंगी ना तो ये अच्छे से पक जाएगी फिर। तो जब तक फिर उधर खाना वाना बन रहा है तब तक मैं इन कपड़ों की तय कर देती हूँ। तो बहुत सारे कपड़े धो रखे थे, कुछ ये सारे मैंने अंदर ही फैला रखे थे, तो सब उठा के और इनकी करती हूँ मैं तय। तो मंडी जाने के लिए अभी 8:30 तक कह रहे हैं अमित कि 8:30 तक जाएंगे, तो तब तक मैं अपने ये काम सारे निपटा देती हूँ, किचन विचन के भी निपटा के फिर
फिर चले जाऊंगे, फिर घर आके खाना खाऊंगी क्योंकि फिर आलस आ जाता है, फिर काम नहीं होता है। तो चलिए फिर ब्लॉग एंड भी मैं आज के यहीं पे कर रही हूँ। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगी आपको अब कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।